पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड की आरोपी नलिनी ने आखिर क्यों की तमिलनाडु के वेलूर जेल में आत्महत्या करने की कोशिश। नमस्कार, मैं हूं पिंकी राज पुरोहित और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। नलिनी श्रीहरन, जो कि अन्य 6 लोगों के साथ वेलूर जेल में राजीव गांधी हत्याकांड के आरोप में सजा काट रही है, और कल रात करीब 8:30 बजे के आसपास नलिनी ने की थी आत्महत्या करने की कोशिश। जी हाँ, उनके जो एडवोकेट है पुगड़ेंदी, उनका यही कहना है कि उनकी एक और जो जेल में कैदी है उसके साथ आर्ग्यूमेंट हुआ था, जिसके बाद नलिनी श्रीहरन ने कंप्लेन की थी जेलर से, और जेलर जब इंटरव्यू करने के लिए वहां पर पहुंचती है तो उसके बाद कहीं ना कहीं श्री नलिनी श्रीहरन का जो आर्ग्यूमेंट है वो जेलर के साथ भी हो जाता है, जिसके बाद अपसेट होकर नलिनी श्रीहरन जो है वो अपनी साड़ी से सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करती है। हालांकि उसके बाद उनका इंटरवेंशन होता है और जिसके बाद नलिनी श्रीहरन पूरी तरह से सेफ इस वक्त बताई जा रही है। लेकिन एडवोकेट का आरोप है कि नलिनी जो है वो वेलूर जेल में सुरक्षित नहीं है, और इसी को लेकर DIG प्रिजन तक भी ये पूरा मामला जो है वो लेकर जाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये कि क्या वाकई नलिनी श्रीहरन ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। जेल अधिकारियों का कुछ और ही बयान है। जेल अधिकारियों का कहना है कि उनके साथ जो कैदी साथ में रहती है उसके साथ कहीं ना कहीं नलिनी श्रीहरन जो है वो हैरस करने की कोशिश कर रही थी, और इस दौरान दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होता है। आर्ग्यूमेंट होने के बाद जो एक और महिला कैदी है वो जाकर प्रिजन डिपार्टमेंट में जो है शिकायत दर्ज करती है, जिसके बाद पूरे मामले की इंक्वायरी करने के लिए एक टीम वहां पर पहुंचती है। लेकिन नलिनी श्रीहरन जो है वो इसमें किसी भी तरह से कोऑपरेट नहीं करती है इस पूरे इंक्वायरी के लिए, जिसके बाद जेल अधिकारियों के साथ नलिनी की बहस हो जाती है, और उस बहस के बाद जब नलिनी श्रीहरन अपसेट हो जाती है तो वो अटेम्प्ट जरूर करती है, हालांकि इसमें वो कामयाब नहीं होती और उसे बचा लिया जाता है। सीधे तौर पर नलिनी श्रीहरन जो है वो पिछले 29 सालों से इसी तमिलनाडु के वेलूर जेल में कैद है, और आपको बता दें कि 24 अप्रैल 2000 को उनकी जो मौत की सजा थी उसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया था तमिलनाडु की सरकार ने, और उसके बाद से लगातार तमिलनाडु की राजनीति में राजीव गांधी हत्याकांड के जो भी आरोपी है उन्हें रिहा करने की मांग लगातार उठती रही है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि तमिलनाडु की जो पॉलिटिकल पार्टीज भी है वो भी पॉलिटिकल माइलेज के लिए लगातार इन पर कहीं ना कहीं सहानुभूति दिखाते रहे हैं। हर वक्त तमिल कार्ड खेलते हुए ये मांग करते रहे हैं कि राजीव गांधी हत्याकांड के जो भी आरोपी है उन्हें रिहा किया जाए। हालांकि अभी भी नलिनी के साथ 6 और आरोपी, जिसमें उनके खुद हस्बैंड मुरुगन भी मौजूद है, और मुरुगन का भी यही कहना है कि नलिनी श्रीहरन जो है वो वेलूर जेल में सुरक्षित नहीं है, और यही कारण है कि उसे वहां से ट्रांसफर किया जाए। नलिनी का बच्चा भी इसी जेल में हुआ था, एक बेटी है उसकी, हालांकि अब वो विदेश में रहती है, लेकिन नलिनी और उसका पति दोनों ही LTTE का ये जो आत्मघाती हमला था पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर, उस हत्याकांड के आरोप में सजा काट रहे हैं। ABP News आपको रखे आगे।